हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का RP10 करियर गाइडेंस में। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करें या नहीं MBA आफ्टर BTech। ठीक है, जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो BTech कंप्लीट कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि MBA करें, तो इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि MBA करें या नहीं, बेनिफिट्स क्या हैं उसके, जॉब्स पोजीशंस क्या मिलती हैं आपको और सैलरी क्या होती है, और ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो लास्ट तक ज़रूर देखेगा इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले MBA आफ्टर BTech एडवांटेजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं बेसिकली। ठीक है, MBA आफ्टर BTech के एडवांटेजेस क्या हैं, देखिए सीधी सी बात है, आप MBA पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, आपको बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें, मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो आपको इससे फ़ायदा होगा कि मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज़ हो जाएगी आपके अंदर, आपको समझ आ जाएगा कि बिजनेस को मैनेज कैसे करना होता है, मैनेजमेंट बेसिकली आपको समझ आएगा। डिपेंड करता है बाकी आपकी स्पेशलाइजेशन क्या लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी स्पेशलाइजेशन आप चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आपके पास BTech के बाद, BTech के साथ ही आपके पास वैसे तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन अगर आप MBA कर लेते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटीज़ और ज़्यादा अच्छी कर देता है और आपकी सैलरी में भी फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि मैंने दिखा भी रखा है हायर सैलरी, आपको ज़्यादा सैलरी भी मिलती है और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। ठीक है, फास्ट करियर ग्रोथ गाइज, यस BTech के बाद अगर आप MBA करते हैं ना तो आपकी करियर ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी टॉप मैनेजमेंट में पहुंच सकते हैं 2-3 साल या 4-5 साल के बाद। ठीक है, बिकम योर ओन बॉस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के टाइम में जैसे कि हर एक को कहा भी जा रहा है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनिए, खुद का बिजनेस स्टार्ट करिए, तो आपका ना MBA करने के बाद एक ऐसा माइंडसेट डेवलप हो जाता है, ऐसी आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं जिसके कारण आप मैनेजमेंट को और बिज़नेस को अच्छे से समझने लगते हैं और इजीली आप चाहें तो खुद भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ फ़ायदेमंद होती हैं। ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ओके गाइज, देखिए जॉब्स की अब बात करते हैं, जॉब्स पोजिशंस एंड सैलरी की। जॉब्स की अपॉर्चुनिटी तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी आपके पास जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अवेलेबल होती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती आपको। ठीक है, और सैलरी क्या मिलती है, पोजीशंस क्या मिलती हैं, सैलरी क्या मिलती है। तो पोजीशंस देखिए गाइस, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनीस, अगर आप MBA करने के बाद जाते हैं कभी किसी कंपनी में हायर होते हैं तो वो ज़्यादातर आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट देते हैं। अगर आपने मार्केटिंग करी है तो मार्केटिंग मैनेजर बना दिया जाएगा, सेल्स मैनेजर बना दिया जाएगा। अगर आप फाइनेंस रिलेटेड, अकाउंट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल मैनेजर, ये सारे पोस्ट हैं और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, डिपेंड करता है आप स्पेशलाइजेशन कौन सी करते हैं। गाइज, एक और चीज़ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि अगर आप BTech करते हैं तो आपको स्पेशलाइजेशन कौन, BTech करने के बाद अगर आप MBA करते हैं तो आपको स्पेशलाइजेशन कौन सी चूज़ करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, स्पेशलाइजेशन तो पूरी तरह से आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, चाहे वो मार्केटिंग हो सकती है, चाहे फाइनेंस हो सकती है, चाहे ऑपरेशंस हो सकती है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है, चाहे HR हो सकती है, डिपेंड करता है, उसको चूज़ कीजिए। अगर फिर भी आप चाहते हैं एक सजेशन, तो मेरे हिसाब से MBA के बाद अगर BTech किया है तो MBA में अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या फिर ऑपरेशंस में जाएं तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप IT फील्ड से हैं तो MBA इन IT में जाएं, MBA इन कंप्यूटर साइंस में जाएं, सिस्टम मैनेजमेंट में जाएं, ये सारे कुछ स्पेशलाइजेशन हैं जिसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। हमारी दूसरी वीडियो है जिसके बारे में हमने बताया है कि तो कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए, वो जाके आप देख सकते हैं। सो गाइज, अब आता है क्वेश्चन, सैलरी क्या मिलती है आपको। ठीक है, देखिए सैलरी दो हिसाब किताब हैं, 3-6 लाख सालाना आपको मिलती है अगर आप एक किसी एवरेज कॉलेज से हैं, नॉर्मल कॉलेज से हैं तो आपकी स्टार्टिंग में आपको इतनी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप एक टॉप कॉलेज से हैं तो गाइज आपको मिलती है कम से कम 8-20 लाख एक एवरेज पैकेज है। ठीक है, बाकी आपका डिपेंड भी कर सकता है, अगर आपकी स्किल्स और अच्छी हैं तो आपको इससे भी ज़्यादा मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही एक लिमिट है, ऐसा नहीं है। सो गाइज, ये था सैलरी और जॉब पोजिशंस का और MBA आपको करना चाहिए कि नहीं। अब इसके बाद आपने डिसाइड तो आपको समझ ही आ गया होगा बेसिकली आपको MBA करना चाहिए कि नहीं, तो मेरे हिसाब से तो आपको जरूर करना चाहिए गाइज। सो गाइज, ये था हमारी तरफ से इस वीडियो का एनालिसिस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच।